हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। एक्चुअली मैं अपना 8th वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये सब SSC CGL Tier 2 में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं वही सब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और जिसका भी मेंस प्री क्वालिफाई हो गया है। आप प्लीज मेंस पर लग जाओ क्योंकि मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोग देख सकते हो। द प्राइस ऑफ द टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 8% एंड दैट ऑफ द अदर इज डिक्रीज बाई 30%, देन द न्यू प्राइस ऑफ ए एंड बी विल बी इन द रेशियो ऑफ 17:14। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। प्लीज स्टॉप द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन सी द सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन अ 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। If 12 liter of solution are taken out and 7.5 liter of water are added to the solution, then the ratio of acid and water in the resulting ratio will be. Third question, the ratio of the copper to zinc in alloy A and B are in the ratio of 3:4 and 5:9 respectively. If A and B are taken in the ratio of 2:3 and melted to form a new alloy C, what is the ratio of copper to zinc in alloy C? Third question, 40 liter of 60% concentration of acid solution is added to 35 liter of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution? Third question, if 2A is equal to 3B is equal to 8C, then what is the value of A? A is to B is to C. Please, आप लोग पहले solve कर लो question, then solution देखना, ठीक है? चलो पहला question करते हैं। पहला question में क्या बोला है? ये container है। The price of the two, अच्छा कंटेनर नहीं, the price of the two articles, the price of two article are in the ratio 5:8। तो पहला आर्टिकल है ना, उसको इंक्रीज किया है x परसेंटेज से, और जो अदर आर्टिकल है उसका डिक्रीज किया है 30% से। जो न्यू प्राइस हो रहा है ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 17:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो मान के चलो टू आर्टिकल है, एक आर्टिकल ए है और एक आर्टिकल बी है, ठीक है, दे आर इन द रेशियो 5:8 दिया है। इतना का रेशियो 5:8 दिया है। बोलता है जो पहला आर्टिकल है ना, ये पहला आर्टिकल को क्या किया है, x परसेंट से मैं बढ़ाया हूँ, कितना x परसेंट से मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा आर्टिकल को क्या किया है मैंने 30% से रिड्यूस कर दिया हूँ, 30% से रिड्यूस कर दिया हूँ। जो भी न्यू आर्टिकल होगा ना, अभी उसका प्राइस है 17:14 का है, ये बोला है क्वेश्चन में। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मान के 5:8 का रेशियो में दिया हो, 5:8 का रेशियो में दिया, तो हम लोग मान लेते हैं एक आर्टिकल का दाम 500 होगा, 500 रुपीज़ होगा, एक आर्टिकल का दाम हमारा 800 रुपीज़ होगा, ठीक। अब इसको क्या किया, 30% से जब डिक्रीज करेगा, -30% से अगर डिक्रीज करेगा तो सर कितना हो जाएगा वैल्यू, 17/100 × 800 हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 560 रुपीज़, 560 हो जाएगा, आया समझ में। और दूसरा को x परसेंट इंक्रीज किया है, x परसेंट जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, मान के चले इसका वैल्यू क्या हो गया, अभी y हो गया, मान के चलो मैं y ले लेता हूँ, ठीक है, y हो गया। अब क्या बोलता है, जो न्यू प्राइस है आर इन द रेशियो ऑफ 17:14 का रेशियो में दिया है, तो क्या हम बोल सकते हैं सर, सर वाई बाई 560 इज इक्वल टू 17/14 हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, आया समझ में। सब लोग यहाँ y का कैलकुलेट कर देते हैं, y कितना आएगा आपका, 560 × 17/14, यही आएगा 14, 40 जा दैट इज गोइंग टू बी 680, मतलब 680 आया, मतलब y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू कितना आया 680 आ गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला है, एक्स का ये वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है कितना इंक्रीमेंट हुआ। मान के चलो पहला आपका, पहला हम लोग का 500 यूनिट था और अभी हम लोग का कितना हो गया, 680 रुपीज़ हो गया, 680 हो गया यूनिट हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ सर, बोल सकते हैं सर 180 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ, सर 180 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। आखिर किस में हुआ, ओरिजिनल प्राइस 500 में हुआ, दैट इज गोइंग टू बी 100, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना का वैल्यू, ये कटा ये कटा ये कटा, 5 × 5 दैट इज कमिंग टू बी 36, तो हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, 36।
आया समझ में? नहीं आया प्लीज स्टॉप द वीडियो और एक बार फिर से वीडियो देखो, ठीक है? मैं बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ वेसल कंटेन 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है जिसका एसिड एंड बेस, एसिड एंड वाटर दोनों मिला हुआ है। तो एसिड एंड वाटर का रेशियो है 5:3 का रेशियो में दिया है, ठीक है? और 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर टेकन आउट, मतलब 12 लीटर जो सॉल्यूशन है उसको बाहर निकाल दिया गया है और 7.5 लीटर ऑफ वाटर को ऐड कर दिया गया है। तो बोलता है कि एसिड एंड वाटर का तुम्हारा ये क्या होगा? क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है? चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ। मैं एक कंटेनर बना दिया, ठीक है, जिसमें एसिड कितना है और वाटर कितना है। एसिड और वाटर मेरा कितना है? 5:3 का रेशियो में है, ठीक है? इनिशियली कितना है? 32 लीटर है, 32 लीटर है, इनिशियली 32 लीटर है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे 12 लीटर मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैं 12 लीटर में निकाल दूंगा तो कंटेनर में अब कितना एसिड वाटर का होगा? सर 20 होगा, बोल सकते हैं सर 20 लीटर होगा। अच्छा रेशियो ऑफ एसिड और वाटर का तो हमारा का क्या होगा? 5:3 ही रहेगा ना, रहेगा। तो तुम बोल सकते हो सर एसिड का कितना क्वांटिटी होगा? एसिड का क्वांटिटी 5/8 × 20 होगा। क्या बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? सर बोल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर की कितना होगा? जस्ट वेट अ सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होगा? तो आप बोल सकते हो सर 3/8 होगा इंटू 20 लीटर होगा। तो मैंने जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आता है 12.5 आता है। कितना आता है? 12.5, और ये आता है 7.5, ठीक है? अब क्या बोला है? 7.5 लीटर ऑफ वाटर को ऐड कर गया है। अभी एसिड क्या हो गया? अभी एसिड और वाटर तुम्हारा कितना हो गया? एसिड और वाटर कितना हो गया अभी? 12.5 लीटर हो गया सर, वाटर हो गया सर 7.5 लीटर। और इसमें क्या बोलता है? 7.5 लीटर को वाटर को ऐड कर गया है, तो प्लस 7.5 लीटर ऑफ वाटर को ऐड कर गया है, तो अभी सॉल्यूशन कितना होगा? 12.5 लीटर होगा, और ये तुम्हारा कितना होगा? 15 लीटर होगा, यही होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे 120/10/15। तो अब क्या होगा? 125:150 का रेशियो में, तो 5:4:5:6 का रेशियो होगा। आया समझ में? 5:6 का रेशियो में कोई प्रॉब्लम? बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है, तो फिर से पॉज करके दे देखो, ठीक है? चलो क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन अलॉय ए एंड बी एंड द रेशियो 3:4 and 5:9। कॉपर ए और बी आर टेकन इन द रेशियो 5:3 एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ कॉपर सी, व्हाट इज रेशियो ऑफ कॉपर? मतलब ये पहले क्या बोला गया, पहले समझो। पहले एक अलॉय ए लिया गया है, एक अलॉय है, अलॉय ए है और एक अलॉय बी है। इसमें इसमें कॉपर कितना है और जिंक कितना है? सर कॉपर का रेशियो है 3:4 है और एक तो 5:9 है, ठीक है? ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 2:3। मतलब अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले 2:3 में लिया गया है, उससे पहले हम क्या करेंगे ना, पहले कंटेनर का यूनिट देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो कितना होता है, 3 और 4 7 यूनिट है, और यहाँ कितना है? 9+5 14 यूनिट है। तो हम लोग पहले इक्वल कर देंगे, पहले हम लोग इक्वल कर देंगे, फिर हम लोग 2:3 का रेशियो में ले लेंगे। तो इक्वल कर देंगे तो पहले क्या करेंगे सर, इसको पहले काम करते हैं ना सर, इसको पहले इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटू अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 14:2 रेशियो में जाएगा, हो जाएगा। तो अभी कितना हो जाएगा, कॉपर और जिंक का तुम्हारा रेशियो कितना हो जाएगा? 3:6 हो जाएगा और 4:8 हो जाएगा और 5:9 हो जाएगा, यही होगा। अब इक्वल हो गया, 14 14 यूनिट का बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही रेशियो में से अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग यही रेशियो में हम लोग इंटू 2 और 3 का रेशियो में हम लोग ले रहे हैं, 2 और 3 का रेशियो में लेकर हम अलॉय सी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अलॉय सी। तो अलॉय सी बनाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉपर और जिंक, उसमें कितना हो जाएगा? चेक इट आउट, 6 2 12 8 2 16 5 3 15 9 3 27। जब मैं ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 7 27 6 प्लस 7
दैट इज गोइंग टू 43। तो हम लोग का जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट तो हम लोग का जो अलॉय सी आएगा उसमें तुम्हारा अलॉय जो सी है, अलॉय सी है उसमें उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो कितना हो जाएगा, 27:43 हो जाएगा। आया समझ में? आया नहीं आया प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, ठीक है? चलो अब दूसरा बोलता है कि 40 लीटर ऑफ 60% कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज एडेड टू 35 लीटर ऑफ 80% कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू मिक्सचर। तो दो सॉल्यूशन दिया गया है, एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन 40 लीटर का है और एक सॉल्यूशन 35 लीटर का है। कितना का है? 35 लीटर का है, ठीक है। इसमें तुम्हारा 60% एसिड है और इसमें तुम्हारा 80% एसिड है। कितना है? 80% एसिड है। तो 80% एसिड है, अब क्या हो रहा है, ये न्यू मिक्सचर आएगा, दोनों को मिलाया गया है तो एक न्यू मिक्सचर आएगा। न्यू मिक्सचर आने के बाद क्या हुआ, न्यू मिक्सचर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। मान के चलो न्यू मिक्सचर का कंसंट्रेशन है, मान के चलो मैं ले लेता हूं एक्स, एक्स का कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब देखो हम लोग मिक्सचर एलोकेशन 80 माइनस एक्स कर देंगे, 80 माइनस एक्स, और यहां क्या कर देंगे, एक्स माइनस 60 कर देंगे। और ये लोग रेशियो में कितना दिया है, 40 या 30 लीटर का रेशियो में दिया है, मतलब 5:8:5:7, मतलब दे आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 का रेशियो में दिया है। क्या हम लोग इसकी इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और सर हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 80 माइनस एक्स करेंगे डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 8:7 कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 560 माइनस 7x इज इक्वल टू 8x माइनस 480। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 560 मतलब 1040 आ जाएगा इज इक्वल टू 15x आ जाएगा। 104 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो हम लोग का x का क्या वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा, 69 1/3% निकलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 208/3% निकलेगा। तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ 2a 3b इज इक्वल टू 8c फाइंड द वैल्यू ऑफ a b और c का वैल्यू पूछा है। चलो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए इक्वेशन को क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 8c को हम लोग k ले लेंगे, कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू k ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का क्या वैल्यू होगा, a इज इक्वल टू k बाय 2 होगा, b का क्या वैल्यू होगा, b इज इक्वल टू k बाय 3 होगा, और c का क्या वैल्यू होगा, k डिवाइडेड बाय 8 होगा। जब हम लोग a इज टू b इज टू c का जब वैल्यू लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, k बाय 2 इज टू k बाय 3 इज टू k बाय 8 ये लिखेंगे। आया समझ में? चलो अब मैं कैलकुलेट कर दूंगा, ये काट दूंगा k को सबको, तो बचा कितना, 1/2 is to 1/3 is to 1/8 बचा। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा फ्रैक्शन से इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, तो 2 3 8 कैल्शियम लेंगे, 2 3 8 कैल्शियम लेंगे, तो बचा 2 1 जा 3 4 जा फिर 2 1 जा 3 2 जा फिर 3 और 2, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम वुड बी 3 2 जा 6 2 जा 4, दैट इज कमिंग टू बी 24 हो जाएगा। तो 1/2 into 24, 1/3 into 24 और 1/8 into 24, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा और 8 3 हो जाएगा। 8:12:8:3 का आंसर में वैल्यू में आंसर होगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरा इनिशिएटिव आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।